अथर्ववेदीय मांडुक उपनिषद के तृतीय अद्वैत नामक तृतीय प्रकरण के ऊपर विचार शुरू हुआ है। पहले प्रकरण का नाम है, पहला प्रकरण का नाम है आगम प्रकरण। आगम प्रकरण में श्रुति वाक्य के आधार पर जगत में पारमार्थिक सत्य नहीं है ऐसा ग्रंथ का है शुद्धता के लिए श्रुति वाक्य क्या है उसको युक्ति के द्वारा भी समझा जा सकता है, किसी को परिचय प्रकरण में नहीं है। निष्ठा तो दिया स्वप्न शांति वस्तु के समान, जगत में पारमार्थिक सत्य नहीं है क्योंकि दृश्य होने के कारण कैसा स्वप्न दृश्य हो, इसको विस्तार से समझाने के बाद स्वप्न तो समाप्त हो गया था। बोलते नहीं, लोगों का मान्यता यही होगा कि कुछ भी सत्य वस्तु संसार में नहीं है, परंतु भ्रांति का जो अधिष्ठान होता है वो सत्य होता है और उसको जो है आर्थिक अर्थ से सत्य मानने पर भी युक्तिपूर्वक हम अभी तक उसको समझाया नहीं गया, इसलिए उसको युक्तिपूर्वक समझाने के लिए अद्वैत प्रकरण शुरू करते हैं। इसलिए पहले प्रतिज्ञा करते हैं अतो भक्षण अपार मान्य मजा की क्षमतांगतम यथा न जायते इतने जायमान समय, क्योंकि यहाँ पे दिखाया क्यों वादियों ने उपासना को आश्रय करके संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उनको शास्त्र ने त्रिगण कहा क्योंकि वो कार्य ब्रह्म के रह जाते हैं। अब इसको इसीलिए बोलता है तस्मात ते कृपण स्मृत उत्पोलता उत्पत्ति अलम सर्वम ते निवासो कृपण स्मृत, ये लोग को कृपण समझा जाता है अथवा ब्रह्म में तरह कैसे ही मानते हैं इसी मनुष्य शरीर से जीवन मुक्ति अवस्था से विधेय कैवल्य प्राप्त कर सकता था, परंतु कार्य ब्रह्म के उपासना के माध्यम से केवल ब्रह्म लोग ही पहुँच पाते हैं, इसलिए इसको कृपण कहा जाता है। अब हम आप लोगों को समझाएंगे कि अब कृपणता क्या है, अतो भक्षण में अकार मानना मजा से समाधान करना, जिससे कि आपको अपकृपणता समझ में आए। यथा न जायते किंचित जायमान समन्त प्रशांति वस्तु को मतलब दिखाई देने पर भी यह किसी की भी सृष्टि नहीं हुई हम कैसे समझेंगे, उसको समझाने के लिए यह हो गया प्रतिज्ञा। अब प्रतिज्ञा को समझाने के लिए आपको हेतु और दृष्टांत देना पड़ता है, तो यहाँ पे जो है पहले दृष्टांत को जरा समझा रहे हैं कि प्रतिज्ञा क्या है, अपकृपणता क्या वस्तु है, अपकृपणता क्या मतलब भेद राहित्य की बोध, यही अपकृपणता है। कृपणता क्या हो गया भेद बुद्धि है कृपणता, और भेद राहित्य की बोध हो गया अपकृपणता है ना, तो इसको हम अब हम तुमको बताएंगे अपकृपणता क्या वस्तु है। तो ये तो आपको सामने में दिखाई पड़ते हैं, जगत हमें तो भेद दिखाई पड़ता है, ये मकान है, ये दुकान है, ये पहाड़ है, ये नदी है, ये मैं हूँ, ये तुम हो, ये चेहरा है, ये शरीर है, भेद तो दिखाई पड़ते हैं। प्रकृति होती है जैसे एक आकाश है, उस आकाश के अंदर आपने जो है यहाँ पे आकाश था, आपने देखो क्या किया, एक मंजिल दो मंजिल मकान बना दिया और नीचे उसी आकाश को छोटा छोटा दीवार लगा था कि ये महात्मा का कमरा, ये जो है विद्यार्थियों का कमरा ऐसा बोल दिया, इसको हॉल बोल दिया, या ये क्या हो गया आपका मतलब पठन पाठन के लिए एक हॉल है क्या कि ना, वही आकाश है। आकाश के ब्रह्मा में क्या हुआ कि चार दीवारी के द्वारा घेर जाने के कारण अलग अलग नाम से कहा जाता है, जैसे घड़ा से वृद्धि का उत्पन्न होने पर जिस आकाश पर उत्पन्न होता है वो घटाकाश की उत्पत्ति हुई जैसा प्रतीति होती है। पहले परिणाम वाक्य द्वारा समझाते हैं, जैसे कि क्या होता है कि मृतिका से घटा की उत्पत्ति होती है, मतलब जब कभी भी घड़ा आपको दिखाई देगा उस समय मृतिका ही दिखाई देगा। इसी प्रकार शास्त्र में जो मतलब शास्त्र ने सृष्टि की मतलब प्रक्रिया को दिखाई हुई है, सृष्टि में तात्पर्य नहीं है, तात्पर्य उसमें है क्योंकि कभी भी कोई कार्य आपके कारण को छोड़ करके नहीं रह सकता। जिस समय आपको हिमालय है करके हिमालय दिखाई दे रहा है उस समय हिमालय भाग जो है प्रकृति मात्र है भावी शक्ति है, अभिनय हो सकता है दो साल बाद ना रहे, बीस साल बाद ना रहे, हम लोगों ने देखा कि कैसे गंगा जी के बाद से कैसे कैसे सब्जियों के अभी बदलते जा रहे हैं, तो इसलिए जो है ये इसके है भाग सत्य है और नाम रूप भाग जो है वो मिलता है। यानी जिस प्रकार रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा है सर्प भूषित माला दंड जलधारा, ये सब में जो है जो ये सर्प है, ये जलधारा है, ये भूषित है, ये दंड है, ये माला है, इस प्रकार के जितने भी शब्द हम बोलते हैं देखिए उसमें से ये है का परिवर्तन नहीं हो रहा, वो समान है परंतु माला भूषित को परिवर्तन
तो इसलिए जगत तीनों काल का सत्ता ही व्यभिचार नहीं करता, वो नाम रूप का व्यभिचार करती है। इसलिए इस नाम रूप को मिथ्या मानते हैं, इस चीज को नहीं समझ पाने के कारण लोग और भी सोचते हैं वेदांति तो सारा व्यवहार करता है, फिर बोलते हैं कि जगत मिथ्या, जगत कितना अंश मिथ्या है, जगत के नाम रूप अंश आत्मक्रिया करते हैं, पारमार्थी बनाएंगे क्रिया मन। कल हम लोग 3 नंबर श्लोक को भी पढ़ लिए थे, आत्मा ही आकाशवद जीवे, पेज 129 है ना, इसको आत्मा ही आकाशवद जीवे घटा कशुरी बोली तो घटा भी बच्चे संहति जातो के तक दर्शनम। क्या हो गया कि इस प्रकार घटा भी संघात उत्पन्न होने पर घटाकाश की उत्पत्ति हुई जैसा प्रतीति होती है, इस प्रकार सृष्टि में भी इसी दृष्टान्त को समझ देना है ना। ये नाम रूप की प्रतीति के कारण क्योंकि ये अगर उपाधि की आश्रय नहीं करते, इसी पर अध्यारोप प्रक्रिया होती है। यदि हम उपाधि की आश्रय नहीं करते तो हम सच्चिदानंद को भी समझ में नहीं आता। इसके ऊपर हम लोगों ने भाष्य यहाँ तक पढ़ ली, लेकिन पहले बोले थे जैसे घट से तो मृतिका से घड़ा की उत्पत्ति होती है, ऐसा बोलने के बाद आपने भगवत प्रकार स एव आकाश समात्मा, आकाश के समान है परमात्मा है, अथवा करके बोलते हैं घटाकाश से यथा आकाश उदित है ना, घटाकाश की उत्पत्ति से घट की उत्पत्ति से जैसे घटाकाश की उत्पत्ति आकाश उदित उत्पन्न तथा पर जीवात्मा भी उत्पन्न इसी प्रकार परमात्मा जीव उपाधि के साथ उत्पन्न हुआ जैसा प्रतीति होती है। जीवात्मना जीवात्मनाम जीवात्मना परस्मात् आत्मन उत्पत्ति जास्तूयते वेदांतेषु, जीवात्मा का परमात्मा से उत्पत्ति जो वेदांत में सुनाई देता है सा महाकाश घटाकाश उत्पत्ति समान, वो क्या है महाकाश से घटाकाश की उत्पत्ति के समान बराबर तुल्य है। न परमात्म पारमात्मिक घटाकाश की कभी उत्पत्ति होती नहीं है, उत्पत्ति मात्र होती है इति अभिप्राय। यहाँ तक हम कल पढ़ लिए थे 130 पेज में भाष्य में यहाँ तक पढ़ लिए थे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे आगे भाष्य में देखते थे फिर टीका में आगे, तस्मात् एव आकाशा घटादयः संघाता यथा उत्पद्यन्ते एवं आकाशस्थानीयात् परमात्मनः पृथिव्यादि भूत संघाता आध्यात्मिकाश्च कार्यकरणलक्षणा रज्जुसर्पादिवत् विकल्पिता जायन्ते। तस्माद इस कारण से ही इस कारण से परमात्मा क्या होता है कि निर्गुण निराकार निर्विशेष निर अवयव है, इसके वहाँ किसी किसी की उत्पत्ति होना संभव नहीं है। इस कारण इस प्रकार आकाश विभुत्वाद असंघतत्वाद है ना, इस प्रकार हेतु दिए तो वहाँ के, तो इसलिए इस कारण से निर अवयवत्वाद सूक्ष्मत्वाद कई हेतु है वहाँ के, इसी कारण क्योंकि इसलिए निर अवयव है सूक्ष्म है, इससे आकाशा जिस प्रकार आकाश से घटादय संघाता यथा उत्पादन्ते, घटादि वस्तु को उत्पत्ति होने के लिए आकाश अवकाश का कृत्रिम आकाश सारे वस्तु को अपने में समेटने का सामर्थ्य है जिसको हो गया आकाश। इस प्रकार इस गैस अवकाश का कृत्रिम आकाश जो अवकाश स्थिति है ना, तो इसी प्रकार से यहाँ पे आकाशा घटादय संघात, जैसे आकाश के अंदर सब घटादय संघात उत्पन्न हो जाए और क्या करता है फिर आकाश को परिच्छिन्न बनाना, जैसे प्रतीति होती है तथा उत्पन्न जैसे उत्पत्ति होते एवं इसी प्रकार से आकाश स्थानीयात परमात्मा, आकाश किसी भी सूक्ष्म वस्तु है, आकाश तुलना दृष्टांत प्रस्तुत को समझाने के लिए होता है आकाश के स्थान में परमात्मा को समझ लो, तो आकाश स्थानीय पंचमी वचन परमात्मा ही पंचमी वचन उस परमात्मा से पृथ्वी भूत संघाता तन्मात्र तन्मात्र से भूत है ना, भूत से भौतिक वस्तु की उत्पत्ति होता है, केवल भौतिक वस्तु में आध्यात्मिक आध्यात्मिक क्या हो गया कार्यकरण लक्षण है ना, एक आदिश्य शरीर भूत शरीर सूक्ष्म के आदेश उत्पत्ति होते हैं। कैसे उत्पत्ति है रज्जु सर्ववत, रज्जु के ऊपर दिखाई दे रहा सर्व समान विकल्पिता, विकल्प क्या बोलता है शब्द ज्ञान वस्तु शून्य विकल्प, शब्द प्रयोग तो होता है परंतु हम पारमार्थिक वो वस्तु नहीं है उसको विकल्प बोलते हैं, इस प्रकार से वो उत्पन्न होता है विकल्प कर्मकरण लक्षण अध्यात्मिक स्वभाव यथा उत्पादन के महाकास्थानीय परमात्मा पृथ्वी आदि भूत संघाता आध्यात्मिक कार्यकरण लक्षण विकल्पिता जायते, ये सब उत्पन्न होते हैं। अतः
उच्चते घटादि भक्त संघाते पूरी तरह, इसीलिए हमें भक्त का कहना ऐसा कहा गया है कि कहा जाता है क्या इस प्रकार घटादि भक्त संघाते मतलब घट आदि घट पट आदि जो संघात होता है मतलब संघात मतलब क्या है अनेक चीज मिलकर के जो बनता है ये जो हमको दिखाई दे रहा है उसके बनने का फलस्वरूप क्या लगता है आकाश से परिच्छिन्न हो गया आकाश टुकड़ा हो वस्तु परिच्छिन्न देश परिच्छिन्न काल परिच्छिन्न हो गया ऐसा जो लगता है इसकी यहाँ पर प्रकृति मात्र है संघात ही इस संघात के साथ वो उत्पन्न हुआ जैसा उदित और उत्पन्न हुआ जैसा इस पर लेकिन एक नंबर टिप्पणी बोल रहे अत है एक नंबर टिप्पणी अतर होकर आकाश पर घटादि कारण ठीक है परमात्मा जैसा घट को उत्पन्न होने का मौका कौन देते हैं आकाश यदि आकाश नहीं होता कोई चीज बना नहीं सकता इसी प्रकार परमात्मा ही अधिष्ठान बनकर समस्त नाम रूप को अभिशक्ता प्रति प्रदान करते हैं सत्य प्राप्ति नहीं कर सकते आकाश और घटादि कारण अतः इसलिए अकस्मात कुछ ऐसे कहा जाते हैं घटादि वक्त संघाते घटादि के समान संघातों के साथ मतलब जब कोई कार्यक्रम संघात उत्पन्न होता है उसमें आकाश की उत्पत्ति परमात्मा की जीव की उत्पत्ति हुई जैसा प्रकृति होती है जिसके बाद आकाश को से घट आकाश की उत्पत्ति हुई जैसे अभी क्यों क्योंकि नहीं तो सामान्य व्यक्ति उसको समझ नहीं पाए आप बताओ किसी व्यक्ति किसी ने आपको पूछा छोटा बच्चा इलेक्ट्रिसिटी क्या है हम कहीं दिखाना पड़ेगा अथवा अधिक से अधिक आप क्या करें चलो हम दिखा दे तुमको चलो इस प्लाग में अमृत देखा तुम प्लाग को गिरे तो पता लगेगा इलेक्ट्रिसिटी क्या बोले ठीक है उस प्लाग में हम कुछ डाल के जिसके रहने के कारण ये सब काम हो पाता है अगर उसके विद्यमान तो समझ में आ रहा है तो दिखाई नहीं देता उसको दिखाने के लिए क्या चाहिए उपाधि चाहिए कि किसी कारण से ये कम अज्ञानी व्यक्ति मंद बुद्धि व्यक्ति को सामान्य व्यक्ति की बुद्धि तो समझ में आ जाता है ये भी पंच भौतिक है ये भी पंच भौतिक है परंतु इसको भी सत्ता स्फूर्ति है इसमें भी सत्ता स्फूर्ति है परंतु इसके अंदर से स्फूरण की अभिव्यक्ति इसमें अधिक है या स्फूर्ण की अभिव्यक्ति नहीं है अपने आप में अभिव्यक्ति नहीं कर सकते इसको जब इसको चेतन में आ जाता है तो दोनों ही पंच भौतिक किसी प्रकार से किसी भी पांचभौतिक तत्व के अंदर यदि कोई चेतन तत्व नहीं होता तो कभी भी क्रिया नहीं कर सकते से वो चेतन तत्व आत्मा वही मैं हूँ किस प्रकार से अभिप्रकट है हमको समझा जाता है परंतु उसको तो वो सोचता शरीर चेतन है जिस होता है प्राण चेतन है प्राण रहने के कारण चल जाता है परंतु इसलिए बोलता है मंद बुद्धि यदा मंद बुद्धि प्रतिपिपाद ईशया श्रोत्या जिस समय कम बुद्धि वाले व्यक्ति को प्रतिपादन करने की इच्छा से प्रतिपाद ईशया प्रतिपाद ईशा प्रतिपदित प्रतिपादन करने की इच्छा प्रतिपाद ईशा और उसका तृतीय एक वचन प्रतिपाद ईशा प्रतिपादन करने की इच्छा से कि प्रतिपादन करने की इच्छा कौन रखती है प्रतिपादन करने की इच्छा रखने वाली श्रुति के द्वारा आत्मन जाति उच्चते आत्मा से सृष्टि होती है उत्पत्ति होती है ऐसा कहा जाता है आत्मन पंचमी जाति आने यानी कास्ट नहीं है रहा जाति मतलब उत्पत्ति जाने जा धातु से जाए से तीन प्रत्यय जाति उच्चते शुद्ध आत्मन अशुद्धि के द्वारा आत्मा से उत्पत्ति होती है ऐसा कहा जाता है इसका उत्पत्ति है जीवादि नाम जीवादि की उत्पत्ति होते नहीं तदा उस समय जातो जन्म के विषय में उपगम्य मानायाम जातो ये अब हमने मान्यता दिया कि है उत्पत्ति भी एक तक निदर्शन है इस विषय में क्या ये मान्यता कैसी निदर्शन है कैसा मान्यता है ये निदर्शन है जैसे महाकाश से घटाकाश की उत्पत्ति होती है परमात्मा से जीवात्मा की उत्पत्ति ऐसी होती है आता समझ में नहीं मंद बुद्धि के लिए ये है सामान्य बुद्धि की उत्पत्ति हुई नहीं होना संभव ही नहीं है क्योंकि जो निर्गुण निराकार निर्विशेष निरव है वस्तु है बस उत्पत्ति कहां से होगी उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है परंतु जब इसलिए शास्त्र में स्वयं इसको अध्यारोप प्रक्रिया बोलते हैं कि अध्यारोप अपवादाभ्यम निष्प्रपंच प्रपंच मतलब जिसको आप मतलब ऐसे समझा नहीं जाता है प्रपंच से भेज है उसको विस्तार से समझाने के लिए अध्यारोप प्रक्रिया को अपना के फिर उसको अपवाद कर देते हैं
और फिर उसमें बड़ा सुंदर कथा और फिर उसमें बड़ा सुंदर कथा कर एक बच्चा को बचपन से उसका माँ बच्चे जो चर्चा होती है ब्लैक वाली का सिस्टम वहाँ के सामने श्री उड़ी होगा बाहर मत जाओ भू बाहर मत जाओ भू बाहर मत जाओ भू बचपन से ये बाहर मत जाओ भू वो शाम के बाद को भाग भी बता देना बड़ा हो गया बच्चे एक दिन किसी काम के लिए मैंने बताया कि थोड़ा सा चाहिए बता दो बाहर नहीं जाता हूँ भूत बाहर नहीं जब नहीं भूत बैठे हो तो बच्चे को मतलब रोकने के लिए भूत भूत बोल सिखाया नहीं बाहर नहीं जाता हूँ भूत नहीं तो कोई बात नहीं एक दिन हम क्या करेंगे भूत को मारे कैसे मारेंगे रूप एक दिन अंधेरा पीड़ा पत्थर पर सब बोल दिया सारे भक्ति पत्थर को नीचे कैसे रावण नहीं जलाते हैं ऐसे भयंकर विकराल मूर्ति मूर्ति बनाया विकराल मूर्ति बना करके आज रात हम लोग भूत को मारे तो क्या करेंगे वो एक भयंकर विकराल मूर्ति बनाया विकराल मूर्ति बनाने के बाद तो उस प्रेस पे कही अब हम क्या करेंगे इसको आग लगा लगा तो क्या किया किसी मूर्ति को जला दिया अब क्या हो गया भूत अब बच्चे का डर चला गया यही आप धर्म भगवान ये बात की अब क्योंकि हम उस मंदबुद्धि की समझ में नहीं आ रहा है कि हम चंचल है मन इधर उधर भागता है तो क्या होता है कि हमको अधारो प्रक्रिया के द्वारा देखो यहाँ पे सच्चाई क्या है दिखाता है कि सच्चाई क्या है तुम सुख ढूंढ रहे हो दुखदायी है ऐसा दुख दिखाते 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 अब फिर क्या बोलते हैं अरे दुख से विचार में ना है ये तो अधारो था वास्तविक आने जो बिल्कुल ना है इसमें कोई शंका नहीं है जो सच्चाई है उसको बोलने में जब हमारे यहाँ जब ना समस्त नाम रूप कोई अपने मित्र माना हुआ है तो ये उपासना प्रसंग जो पहले भी बोला उपासना सिद्ध धर्म जाते ब्रह्म निवर्त जो व्यक्ति उपासना को आश्रय करके इस संशय हो तो कार्य ब्रह्म तक ही पहुँच पाएगा और निरूप निराकार तक पहुँच नहीं पाते यदा मंद बुद्धि प्रतिपादन ईश्वर जैसे मंद बुद्धि वाले व्यक्ति को प्रतिपादन करने की इच्छा रखती हुई स्थिति के द्वारा आत्मा से जाति रुच्यते आत्मा से जीवादि नाम जाति रुच्यते जीव आदियों की उत्पत्ति कहा जाता है तदा उस समय इस जन्म के विषय में जातो गम्य मानाया भी तो सृष्टि को मान्यता दी आपके उस विषय में एकदम निदर्शन इसके लिए दृष्टान्त है क्या दृष्टान्त है जैसे महाकाश से घटाकाश की उत्पत्ति यथा दूता आकाश व जैसे यहाँ पे कहा गया है आकाश जैसे उत्पत्ति होता महाकाश से आकाश की उत्पत्ति किसका युक्त अब आ जाइए टीका का इसको समझें अब यहाँ तक पढ़ लिए थे टीका के जो फोर्थ पे लाइन देखिए प्रथम पादस्य अक्षरार्थम आह पहले तो यहाँ पे श्लोक से व्यक्त अनुवाद बोलता हूँ श्लोक की तात्पर्य को बताया चुका है आप कृपणा को बताने की प्रतिज्ञा करते उस प्रतिज्ञा को ये दृष्टांत तो दे रहे हैं ठीक है ना इसलिए अजाति ब्रह्म अकार्पण्यम भक्षामि प्रतिज्ञा प्रतिज्ञातम हेतु दृष्टांतम च भक्षामि है ना दृष्टांत का हेतु को यहाँ पर कहेंगे तो ये जो बड़ा श्लोक की तात्पर्य को बताया अब प्रथम बात की अक्षर को भी व्याख्या करते आत्मा पर यस्मात आकाशवत सूक्ष्म निर अवयव सर्वगत तस्मात आकाश उक्त जीव ही क्षेत्र के घटाकाश घटाकाश उदित अब इसको समझाने के लिए आनंदी अनुमान दे रहे हैं इसको ध्यान स्वगता स्वगत तात्विक भेद शून्य सूक्ष्म अवयवता विद्वत्वाद आकाशवत है ना विवादा इसको लेकर के परमात्मा को परमात्मा से उत्पत्ति होना संभव है कि नहीं है हम बोलते नहीं है कोई बोलता है तब यहाँ पे बोलते हैं विवाह शब्द जो है ना परमात्मा को लेकर इसको नहीं समझ स्वगत तात्विक भेद शून्य स्वगत भेद मतलब क्या है अपने में जो भेद दिखाई पड़ता है तो अपने में जो भेद है वो भेद में तात्विकता पारमार्थिकता नहीं है एक सच्चिदानंद को एक ही आकाश में इतने सारे दिखाई दे रहे हैं गदाकाश पदाकाश पठाकाश ईश्वर के किसी प्रकार वास्तविक वहाँ पर ऐसा भेद होना संभव नहीं है इसी प्रकार इस परमात्मा ने स्वगत तात्विक भेद शून्य स्वगत अपने में रहने वाला जो भेद इस प्रकार यहाँ पे अपने स्वगत भेद मतलब मैं करके पूरा शरीर को मैं बोलता हूँ शरीर शरीर भी मैं और पैर के नखून भी मैं
उंगली भी मैं, बाल भी मैं, पैर भी मैं, हाथ भी मैं, रीच होगा तो फिर सभी में मैं है, परंतु सब अपने में रहने वाले थे। ये परमात्मा में अपने में परमात्मा किसी भी प्रकार का कोई भेद होना संभव नहीं। तात्विक स्वगत भेद शून्य, स्वगत तात्विक भेद शून्य। क्यों? क्योंकि परमात्मा सूक्ष्म अव्यवस्था निरवय वस्तु है, शरीर के संघात सावय वस्तु है, निरवय वस्तु सगत विकास हो। सूक्ष्म नील अवयवता विभुत्वा, सूक्ष्मत्वा नील अवयवता विभुत्वा व्यापक, व्यापक इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप क्या समझेंगे कि परमाणु को भी आपने नित्य मान तब परमाणु और परमाणु में आपस में वैशिष्टिक दक्षिण में प्रत्येक परमाणु में कुछ विशिष्टता रहता है, कभी उसका नाम वैशिष्ट आपस में भेद भी इस प्रकार का। यहाँ पे हमारे यहाँ पे भेद नहीं है। सूक्ष्मता दिन अवयवता विभुत्वा के दिन हेतु दिया आकाशवत, आकाश हमारा दृष्टांत दिया। हमारा दृष्टांत में देखो आकाश सूक्ष्म भी है, आकाश दिन अवयव भी है, आकाश विभु भी है। तो दृष्टांत में हमारा हेतु दिया है। अब साध्य क्या है? स्वगत तात्विक भेद शून्य। आकाश में घटाकाश पटाकाश महाकाश इतना इतना समस्त भेद दिखाई पड़ता है, परंतु ये तात्विक भेद नहीं है। यद्यपि आकाश के भेद हम बोलते हैं घटाकाश पटाकाश महाकाश इस प्रकार से जो हम बोलते हैं चिर आकाश की सब जो है आकाश की हृदय आकाश ये सब जो आकाश पर आकाश में तात्विक भेद नहीं है। तात्विक स्वगत तात्विक भेद शून्य। तो आप दृष्टांत में देखिए आपका एक कोई हेतु ले लीजिए, सूक्ष्मत्व भी बैठते हैं आकाश में और स्वगत तात्विक भेद से भी रहते हैं आकाश में, नीलावत्व नीलावत्व भी बैठता है और आकाश में विभुत्व भी बैठता है। तो दृष्टांत में आप व्यापक तो द अल्टर वेडिंगनेस जो आकाश में तो है ना, आपके सब क्योंकि तो आकाश में हमारा कोई भी अनुमान को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दृष्टांत में हेतु और शास्त्र बैठ रहे नहीं बैठ। तो दृष्टांत में आकाश का आकाश में सूक्ष्मत्व भी बैठता है, नेह अवयवत्व भी बैठता है, विभुत्व भी बैठता है और आकाश में स्वगत प्राप्ति शून्य भी है। जब आकाश का अलग अलग भेद दिखाई पड़ता है, घटाकाश पटाकाश महाकाश सुख हम बोलते हैं आकाश के भेद को बोलते हैं, अब तो तात्विक भेद नहीं है। दीवार को तो एक ही आकाश होता है, इसलिए तात्विक में औपाधिक भेद है। और देखिए दो नंबर टिप्पण में बोले हैं, दो नंबर टिप्पण में क्या बोलते हैं? सजातीय से आपके उपलक्षण में क्या टीकाकार ने क्या हुआ? स्वगत तात्विक भेद शून्य। ये स्वजातीय भेद से भी व्यक्ति पता है, मतलब आकाश जातियों के दूसरा वस्तु नहीं है, मतलब विजातीय भेद है। विजातीय आकाश से भिन्न वायु आदि में दिखाई पड़ती है, इसीलिए अगर आपने माना किसी बोलते हैं सज, ये जो स्वगत भेद स्वजातीय भेद का भी उपलक्षण है, तब विजातीय भेद क्यों नहीं कह दो? तो तब तक पहले का दृष्टांत में शास्त्र वैकल्य हो जाए। दृष्टांत में आकाश में क्या हो जाएगा? मतलब आकाश का विजातीय वस्तु तो है, आत्मा में तो विजातीय भेद नहीं है, वो तो ठीक है बिल्कुल, परंतु आत्मा में विजातीय भेद विवेक उसके लिए दृष्टांत जब हम आकाश देना पड़ता है, परंतु आकाश में यदि विजातीय भेद को बैठाने का कोशिश करेंगे तब क्या हो जाएगा? शब्द विकलता। क्योंकि आकाश का विजातीय वस्तु के लाभ तुमने मानना कर दिया, अपने जलादि को इसलिए बोलता है अंतवाद भी नहीं मानेंगे, इसलिए बोलते आत्मा में विजातीय भेद दृष्टांत। आत्मा में तो विजातीय भेद के अभाव है, तो वहाँ पर तो घट जाए, पर दृष्टांत में आकाश में वो नहीं बैठेगा, इसलिए इस दृष्टांत में साध्य विकलता हो जाएगा, साध्य नहीं बैठ पाएगा, इसलिए यहाँ पे विजातीय भेद को ग्रहण नहीं करेंगे, केवल स्वगत भेद और सजातीय भेद को। आत्मन विजातीय भेद दृष्टांत साध्य वैकल्य हुआ, दृष्टांत में साध्य की विकलता हो तो दृष्टांत में साध्य नहीं बैठेगा। तीनों भेद अगर आप लेंगे सजातीय विजेता साध्य बैठेगा नहीं दृष्टांत में, आकाश में समझ में है ना, इसलिए हमें दृष्टांत विजय साध्य विकल्य वारण सुनिश्चित करने के लिए एक तरीके हमने इस प्रकार के हमने अर्थ दिया। इतना अर्थ दिया सब केवल मत आनंदगा स्वगत तात्विक भेद शून्य, स्वगत भेद से रहित है। वो टिप्पणी का बोलते हैं स्वगत भेद स्वजातीय भेद का भी उपलक्षण है, तो विजातीय का क्यों नहीं लिया? विजातीय भेद देंगे तो हमारा दृष्टांत में शादी भी करता होगा, दृष्टांत में शादी भी करता है। तात्विक
तात्विक मतलब बार प्रति प्रातिक भेद तो दिखाई पड़ता है, हम मानते हैं पारमार्थिक भेद नहीं, तात्विक मतलब पारमार्थिक, प्रातिक भेद है, प्रकृति में दिखाई पड़ता है, ये घर कमरा अलग वो कमरा अलग, ये घर अलग ये घर, आकाशकंद अलग अलग घर दिखाई पड़ता है, प्रकृति है। तात्विक मतलब पारमार्थिक, मतलब पारमार्थिक भेद नहीं, तात्विक शब्द इसलिए बोले यही चीज को, ये चीज आपने अच्छा ये ध्यान देना है, हम देखो शब्द प्रयोग में हमारे बिल्कुल परफेक्शन है, हम ये नहीं बोले कि सकल भेद शून्य, सकल तात्विक भेद शून्य, प्राकृतिक भेद जो है हमको दिखाई पड़ती है, वो कहना लगा ये मेरा कार्य सही कर रहा है, ये सही कर रहा है, इसमें कोई बात नहीं, पर जो पारमार्थिक विषय से सभी के अंदर एक है, इसलिए हमें तात्विक शब्द प्रयोग करना है। ये पदक्रम में आपको समझ में आता है, यहाँ पे स्वगत शब्दों से डाला है मतलब अपने में रहने वाला भेद, और तात्विक शब्द के द्वारा पारमार्थिक, और भेद मतलब विशेष से रहित शून्य और रहित। क्यों ऐसा कहा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं कि परमात्मा में से जीवात्मा तो अलग अलग जीवात्मा हो गया, आकाश जैसे एक ही आकाश में ये घटाकाश ये पटाकाश ये मठाकाश ये तस्करीकाश इस प्रकार से अलग अलग होते हैं, तो ये जो है परम परम की प्रकृति मात्र व्यवहारिक मात्र है। हमने एक जगह पे जमीन खरीदा, मकान बनाया, मकान बनाने के बाद वहाँ पे बेडरूम डाइनिंग रूम ड्रॉइंग रूम किचन तो वॉशरूम यहाँ हमने बनाया, केवल दीवार लगा, ये केवल वहाँ की दीवार की प्रकृति के कारण ये भेद की प्रकृति हो गई है, परंतु जैसे कोई दीवार को जगह एक ही आकाश हो जाता है, आकाश की जो प्रकृति भेद है इसको ये हमें तात्विक उसको निषेध करने के लिए तात्विक है, ये प्राकृतिक भेद को हम मानते हैं इसमें हम निषेध नहीं करते, स्वगत और तात्विक के भेद से तात्विक टिप्पणी को सजातीय उपलक्षण, अभी स्वजातीय भेद का भी उपलक्षण है, उपलक्षण इसको बोलते अपने को समझाते हुए अपने जातीय वस्तु को बोलते हैं, विजातीय वस्तु नहीं लिया तब बोलते हैं कि आत्मा ने विजातीय भेद दृष्टांत के साथ विकल्प वर्णाय, यदि आत्मा में विजातीय भेद भी नहीं है परंतु दृष्टांत में उसको बैठाने के लिए सिद्ध शब्द विकल्प हो जाए, आत्मा आकाश के विजातीय वस्तु दिखा सकता है, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं ये यहाँ पे लिया गया है। न अच्छा, अब हमारे पास दो बाधी है, एक हो गया हमारा न्याय वैशेषिक बाधी, एक हो गया हमारा योग अवसान हो गया, योग शांत होगा, जगत के प्रधान मूल कारण प्रधान को मानते हैं और ये जगत के मूल कारण और परमाणु को मानते हैं और वेदांत जगत का मूल कारण ब्रह्म को भी मानते हैं, ठीक है ना। अब तीन बातें हैं, परंतु ब्रह्म मतलब परमात्मा में तो सर्वत्र सजा के भेदारी होना संभव नहीं है, परंतु प्रधान वादी देखो और वैशेषिक वादी देखो अधान को देखो, और उनको अभी अनुमान के एक वहाँ पे व्यभिचार तो नहीं करेगा, अनुमान वहाँ पे तो नहीं पहुँच जाएगा, आपका अनुमान वहाँ पे जाके बैठ नहीं जाएगा, आप नाम विमर्श से किसको कहना चाहते परमात्मा को, मैं आपका ये अनुमान परमात्मा को नहीं बैठेगा, अब आपके ये अनुमान कहीं प्रधानमंत्री नहीं बैठेगा, वहाँ पर अधिक व्यक्ति हो जाएगा, तो उसको निषेध करने के लिए आगे बढ़ेगा। नचा परमाणु आदो सूक्ष्म आदि व्यभिचार, ये परमाणु आदि से प्रधान कर लेंगे, उसमें सूक्ष्मता आदि हेतु का व्यभिचार नहीं है, व्यभिचार किसको बोलते हैं, शाद अभाव व्यक्तित्व, जहाँ पे साध्य नहीं है वहाँ पे यदि हेतु बैठ जाते हैं तो व्यभिचार हेतु होता है, जहाँ पे साध्य नहीं है वहाँ पे यदि हेतु बैठ जाता है, जिस प्रकार मान लीजिए किसी कारण से नदी के ऊपर कहीं आपको फॉग दिखाई दिया, आप उसको धुआं भ्रांति हो गया आपको, आप वहाँ पे जाके कभी भी आपको आग नहीं मिलती, तो साध्य के अभाव में रहने वाले यदि हेतु होता है तो उस पर व्यभिचार हेतु बोलते हैं, तो साध्य क्या हो गया, तात्विक भेद से शून्य है, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो तात्विक भेद से शून्य है जो आपने बोला कि साध को जहाँ पे तात्विक भेद पारमार्थिक माना गया, भेद को जहाँ पे पारमार्थिक माना गया वहाँ पे यदि सूक्ष्म व्यापक बैठ जाता है तो अब क्या हो जाएगा, जहाँ पे पारमार्थिक भेद माना गया है, जहाँ पे पारमार्थिक भेद माना गया है वहाँ पे यदि इन हेतु में से कोई एक हेतु बैठ जाता है तो तीनों को बैठाना पड़ेगा, तो तब जाके हेतु का विषय करेगा, परमाणु को सूक्ष्म तो मानते हैं कौन, न्याय विषय के दर्शन परमाणु को सूक्ष्म मानते हैं, नित्य भी मानते हैं पर व्यापक नहीं है, इसलिए वहां पे जो व्यापक नहीं है ये सब स्वगत मत, वहाँ पे एक हेतु बैठ नहीं रहा है, इसलिए तीनों देख सकते स्वगत तात्विक भेद सुन दो, तो स्वगत तात्विक भेद मानते हैं, परमाणु में स्वगत भेद है तभी तो वैशेषिक माना उसने, पर वहाँ पे ये हेतु तक वहाँ पे विभूत नहीं बैठे। अच्छा प्रधान में आ जाइए, प्रधान व्यापक विभू माना, सूक्ष्म भी माना, परंतु निरवर में सावय है,
तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि जिन अवयव का उजीर अवयव तो नहीं लगेगा वहाँ, क्योंकि तीन भूत माना था वहाँ पे सत्य रहेगा, वहाँ तीन माना प्रधान मतलब पुरुष ना ना पुरुष अलग प्रधान अलग, प्रधान पुरुष तो तीन गुण से रही थे और प्रधान हो गया अव्यक्त जगत के उपादान कारण, तो तीन गुण की साम्य अवस्था को प्रधान कहते हैं। पुरुष की सन्निधि में आकर के गुण की मतलब गुणों में मतलब आप बढ़ता घटना होने के कारण फिर जो परिणाम होता रहता है गुण अहम तत्व तो, महत तत्व तो, पंचतत्व तो, तक परिणाम होता है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि न तो परमाणु आदि और इस ये अनुमान परमाणु आदि में आदि शब्द के द्वारा प्रधान कर लिया, देखो तीन नंबर टिप्पणी मतलब परमाणु आदो इति आदि ना शंख अभिमत प्रधान परिग्रह, शंख के अभिमत जो प्रधान मतलब जगत के मूल उपादान कारण के रूप में जिसको माना गया उस प्रधान भी यहाँ पे ग्रहण करना पड़ेगा आदि शब्द के द्वारा। हमारे पास छह अस्तिक दर्शन है, छह अस्तिक दर्शन है, शंख और योग दर्शन क्या बोलता है प्रधान को जगत को मूल कारण माना, ठीक है त्रिगुणात्मिक का प्रकृति जिसको हम देखते और न्याय को शैक्षिक दर्शन परमाणु को जगत को मूल कारण माना, ठीक है और जगत को नित्य मान उत्पत्ति भक्ति है बसमें ऐसा अभिषेक करते हैं और वेदांत जगत को क्या बोलते हैं परमात्मा की विवर्त है जगत उत्पत्ति होना संभव ही नहीं है यहाँ जगत को अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म ही माना, अभिन्न निमित्त उपादान कारण ब्रह्म ही माना एवं इससे विवर्त भाव सिद्ध हो गए। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि परमाणु आदि आदि ना शंख अभिमत प्रधान परिग्रह, यहाँ पे शंख अभिमत प्रधान को ग्रहण करने का आधिपत्य है। तब यही आपके पास तीन बात है, छह बात जैसे दो तीन विभाजन हो गए। आप क्या बोलते हैं कि परमाणु सूक्ष्मत्वादि व्यभिचार और सूक्ष्मत्वादि का वहाँ पे व्यभिचार नहीं है, मतलब क्या हो जाएगा हमारी जो है अनुमान नहीं व्यभिचार नहीं न व्यभिचार, क्योंकि वहाँ पे आप चार नंबर की पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। सूक्ष्मत्वादि व्यभिचार व्यभिचार मतलब क्या हो गया साध्य अभाव में यदि हेतु घटते हैं तो उस हेतु को व्यभिचार हेतु बोलते हैं, जहाँ पे साध्य नहीं है वहाँ पे यदि हेतु बैठ जाता है तो वहाँ पे व्यभिचार हेतु होते हैं। यहाँ पे देखिए परमाणु स्वगत रूपादि भेद सत्य परमाणु में ये तो आपके स्वगत तात्विक भेद शून्य नहीं है वहाँ पे, मतलब हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं भेद पारमार्थिक नहीं है और वो क्या कहना चाहता है भेद पारमार्थिक है, तो वो परमाणु में भेद पारमार्थिक है मानते हैं और वहाँ पे सूक्ष्म तो बैठा हुआ है निरवय तो निरवय तो बैठा हुआ है परंतु विभूत नहीं बैठा हुआ, विभूत नहीं बैठा हुआ किसी उसी की और वहाँ पे नहीं पहुंचे। परंतु और प्रधानस्य च स्वगत गुण भेदवत्ते, प्रधान में क्या है अपने में स्वगत गुण वाला है वो सत्य रजतमुक्ति गुण वाला होने के कारण सूक्ष्मत्वादिकम संगिरन्ते, पर प्रधान को सूक्ष्म भी मानते हैं बहुत सूक्ष्म मानते हैं अधिक भी मानते हैं परंतु निरवय नहीं है सावय, इसलिए ये हेतु हमारा अतिव्याप्ति नहीं हो रहा है नहीं कर रहा है ना प्रधान में बैठे ना परमाणु में बैठे, ये अनुमान के द्वारा जिस वस्तु का जिस आपने कहा गाय की लक्षण क्या है आपने कह दिया कि चार पैर वाला पूछ वाला दो सींग वाला जो जीव को गाय बोलते हैं ऐसा बोलते, तो आप जैसे ही बोलेंगे तो आपको ठीक है चार पैर वाला हाँ फिर पूछ वाला और फिर सींग वाला वहाँ कुत्ता बिल्ली घोड़ा ये सब खच्चर सब अलग हो गए और वो भैंस अलग नहीं हो गया उसका सिंह हो गया, ठीक है ना। तो आप केवल इतना यदि बोल देते हैं गो कंबल विशिष्ट, ये गो कंबल गाय का विशेष लक्षण है वो और किसी में नहीं है, तो अन्य सभी चार पाए पूंछ वाला सिंह वाला सब अलग हो जाए केवल गाय का ही बोध कर ठीक इसी प्रकार यहाँ पे तीन हेतु दिया आपने कि सूक्ष्मत्व अवयवत्व विभुत्व, प्रधान में विभुत्व भी बैठा हुआ है सूक्ष्मत्व भी बैठा हुआ है परंतु निरवयवत्व नहीं है, परमाणु में आपका नीलावर भी बैठा है सूक्ष्म तो बैठा है परंतु तो नहीं है, इसलिए इन दोनों जगह पे इसके बैठ नहीं है यहाँ पे नहीं जाएगा केवल मतलब गुणों के परमात्मा को बोध करें, ठीक है ना। कि ये तीन गुण ऐसा बता दिया कि दूसरे दो गुण तो अलग अलग जगह में बैठने पर तीसरा गुण नहीं बैठता,
प्रधान में क्या होता है, नीलो अभिव्यक्त नहीं है, सावय है, सत्कर्म के रूप में वहाँ पर सूक्ष्मत्व भी है और व्यापकत्व भी है। और परमाणु में क्या होता है, सूक्ष्मत्व भी है, भिन्न अवयवत्व है, परंतु विभुत्व नहीं है। इसलिए अनुमान जो है वहाँ पर जाके नहीं बैठे, इसलिए हम बोलते हैं कि चार नंबर की बैठे परमाणु नित्य तो परमाणु को भी उन्होंने नित्य माना और प्रधान को भी उन्होंने नित्य माना और हमने परमात्मा को नित्य मानते ही है, ये ठीक है। वो अपने आप उसमें आ जाता है, लेकिन तो जिन तीनों को लेकर के आप एक साथ बोलने से व्यभिचार दिखेगा वो यहाँ पे है, क्योंकि हमारे ये अनुमान वहाँ पर नहीं बैठेगा। जैसे हमने बोला चार पैर विशिष्ट पूछ वाला सींग वाला गोकंबर विशिष्ट जो जीव है वो गाय है, तब एकमात्र गाय में ही बैठेगा। इसी प्रकार सूक्ष्मत्व नील अवयवत्व विभिन्न तीन हेतु देकर के जवाब बोलेंगे तब वो प्रधान को व्यभिचार क्यों कर जाएगा, वो सावयव है। और परमाणु को व्यभिचार मतलब परमाणु में नहीं बैठेगा, क्यों नहीं बैठेगा, क्योंकि परमाणु भी नहीं है, उनकी मान्यता है परमाणु सूक्ष्म होता है। इसलिए आगे बोलते हैं कि सूक्ष्म परमाणु स्वगत रूप भेद सत्य भी परमाणु में स्वगत मतलब आप वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं, यदि ये परमाणु में बैठ जाता है हमारा एक चीज है तो क्या होता, भेद तात्विक सिद्ध हो जाता होता कि नहीं, तात्विक भेद हो सिद्ध परमाणु में तात्विक भेद है, आकाश परमाणु जल परमाणु सब अलग अलग भिन्न हो माना, अब यदि उसमें एक तीन हेतु बैठ जाता तो क्या सिद्ध हो जाता, तो वहाँ पे तात्विक भेद है सिद्ध माना पड़ेगा, तो ये बैठता नहीं है पूरा तीन, इसलिए वहाँ पे तात्विक भेद सिद्ध नहीं हमारा परमाणु शांखा पथा ही दर्श तदतर आर्य आर्य मतलब अब तो शांत का शंकर है दो है ना शांतकारी का पढ़ रहे ना शांतकारी का आर्य छंद में लिखा हुआ है आर्य छंद इसलिए आर्य ये तो आप लगे आर्य क्या बोलते हैं इसलिए नेम ऑफ द छंद ईश्वर कृष्ण ने आर्य छंद में लिखा है ठीक है आर्य छंद इसमें आर्य आप देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं इसे इसको आप हेतु मत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेक अष्टुतम लिंगम स्व अवयवम परतंत्रम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम इति कारिका दस नंबर कारिका कहाँ तक पहुँचा आप लोग दस नंबर कारिका में 45 देर तो ना फटाफट सीधा तो हो जाएगा ये तो पढ़ लिया आपने जो व्यक्त वस्तु होता है प्रधान को अव्यक्त भी बोलते हैं आप अव्यक्त को समझना है अव्यक्त को तो नहीं दिखा सकता तो व्यक्त वस्तु में क्या क्या धर्म बैठा है उसको दिखा रहे इसलिए बोलता है हेतुमत हेतुमत मतलब तो कोई कारण वाला कोई भी व्यक्त वस्तु होगा वो कोई कारण वाला होगा मतलब तो कोई भी कार्य कारण से जुड़ा हुआ होगा कारण वाला होगा हेतुमत और क्योंकि वो उत्पत्ति से रह सके अनित्य भी होगा क्योंकि अनित्यम और फिर ये अब उत्पत्ति हुआ अनित्य गया इसलिए अव्यापक मतलब परिचिन्न भी होगा परिचिन्न विकारित बने सक्रिय व्यू में क्रिया नहीं होता परिच्छिन्न में क्रिया होता है इसलिए क्रिया अला भी है सक्रिय अनेक अनेक को आश्रय करके बनता है और क्या होता है लिंगम लिंगम मतलब लीन हमें लीनम अर्थम गमयती लिंगम और लीयते इति लिंगम मतलब उसके अंदर जो चीज छुपा हुआ है उस अर्थ को जैसे धुआं अग्नि का लिंग है मतलब लीनम अर्थम जो छुपा हुआ अर्थ को बोध कराता उसको बोलते हैं लिंगम हमारा लिंग शरीर बोलते हैं लिंग शरीर क्यों बोलते हैं कि हमारे अंदर जो गुण छुपा हुआ गुण है उसको अभिव्यक्त करते हैं लिंग शरीर लिंगम की थी लिंगम लिंग मतलब जो लय प्राप्त कर जाए उत्पत्ति लय प्राप्त करेगा क्या होता है लय प्राप्त मतलब लिंग है कि अलिंग है वो व्यक्त है इसको याद बोला कि हेतुमत एक एक करके शब्द देखिए हेतुमत अनित्यम अव्यापी सक्रियम अनेकाष्टितम लिंगम वो क्या होता है सावयवम परतंत्रम व्यक्तम वो सावय होता है और कारण के अधीन कार्य होते हैं इसलिए परतंत्र भी है इसको हम व्यक्त बोलते हैं व्यक्त मैनिफेस्टेड कंडीशन है मैनिफेस्टेड कंडीशन
अब फिर क्या बोलता है, विपरीत वैष्णव, ये सब धर्म जिसमें नहीं है वो अव्यक्त प्रधान है ना, ये धर्म जिसमें नहीं है वो अव्यक्त है। संघकारी का मेरे बताए यहाँ, ठीक है। तो ये इन इन धर्म जहाँ पे दिखाई दिया, क्या क्या धर्म, हेतु मत घड़ा दिखाई दिया आपको, घड़ा हेतु मत है कि नहीं, हेतु हेतु का उसको पता कर रहे तो हेतु वाला हुआ, जिसके पीछे के कारण माना जाता है वो हेतु वाला, हेतु मत मतलब हेतु वाला, हेतु हेतु मत भाव मतलब कार्य कारण, हेतु और हेतु मत, हेतु हो गया कारण और हेतु मत हो गया कार्य, इसे हेतु मत कार्य, और जो कार्य होगा अनित होगा, और क्या बोलते हैं प्राप्त करेगा वो, और वो सावय वस्तु जो भी व्यक्त वस्तु है सावय वस्तु, और वहाँ पे कहता परतंत्र है, जो परतंत्र मतलब वो प्रधान के अधीन होकर के काम करना पड़ता है ना, इसलिए वो परतंत्र है। ये हो गया व्यक्तम, एक अभिव्यक्त वस्तु, जो भी संसार में अभिव्यक्त वस्तु का मतलब ये है उसका स्थिति, विपरीतम अव्यक्तम, व्यक्त होता प्रधान, प्रधान से विपरीत, इस प्रकार से उन्होंने प्रधान को निरूपण किया। प्रधान को निरूपण करने पर भी क्या हो गया, यहाँ पे वो वहाँ पे विभुत्व बैठ रहा है, इसका विपरीत है, वहाँ पे स्वयं बोलते हैं वो तीन गुण वाला है, वो निरवय तीन गुण से मिला हुआ है। ये हो गया हमारे अनुमान में जो है, आपने दोष दे रहे थे कि आपका अनुमान व्यभिचारी है, मतलब वो प्रधान में भी बैठ सकता है अथवा परमाणु में भी बैठ सकता है, तो हम क्या दिखाया, ना ये प्रधान में बैठेगा हेतु ना ये परमाणु में बैठेगा, दो बैठने से तीसरा नहीं बैठता है, इसलिए यहाँ पे ये हमारा अनुमान में बैठ जाता है। कारिका को 10 नंबर कारिका है, नंबर टे परमाणु आदो सूक्ष्म परमाणु आदेव, मतलब जिन लोगों ने परमाणु और प्रधान को माना है उन लोगों ने ही इस तीन हेतु को एक साथ बैठा नहीं माना, तस्य एव असम्मतत्व, मतलब परमाणु आदि 5 नंबर की, तस्य परमाणु आदेव, वो परमाणु आदि में ये तीनों धर्म एक साथ नहीं बैठते, वो लोग नहीं मानते हैं, आदि की 28 का भी प्रकार क्वचित अपि तात्विक भेदो असंप्रतिपत्तिश्च, मतलब किसी भी जगह पे भेद में तात्विकता नहीं है श्रुति वाक्य के आधार पर, क्वचित अपि किसी भी स्थान में तात्विक भेद असंप्रतिपत्ति, पारमार्थिक भेद हमारी मात्रता नहीं होने के कारण इति अर्थ है, ये वेदांतिक सिद्धांत है, इसका भी उपयोग करते हैं। फिर बोलते हैं जीव ही इत्यादि व्याचस्य, तो वहाँ पर भूल में आया हुआ था आत्मा ही आत्मा, 6 नंबर की प्रश्न है तात्विक पर और भूत वर्ग तात्विक भेद से अभाव साध्यता, ये हमारे यहाँ पे क्या है साध्यमय है हमारे इस अनुमान में, अनुमान जो हमने किया था ना विमत स्वगत तात्विक भेद शून्य, ये हो गया हमारा साध्य, तो साध्य में रहेगा साध्यता, साध्यता क्या हो जाएगा वो दूसरे वादी पर और विभगत दूसरे वादी मतलब सांख्यदर्शन बोलो चाहे न्याय बोलो चाहे जो भी शासित था इनके द्वारा मान्यता क्या मान्यता है भेद पारमार्थिक है, उसने प्रकृति को एक माना पुरुष को अनेक माना और भेद पुरुष वाले पारमार्थिक मान लिया, सांख्यदर्शन में पुरुष को अनेक माना प्रकृति को एक माना, योग दर्शन भी ऐसा ही उतने तीसरा पुरुष और मान लिया ईश्वर को विशेष मान लिया, और न्याय वैशेषिक दर्शन में आत्मा को दो टुकड़ा किया जीवात्मा और परमात्मा, परमात्मा एक है जीवात्मा अनेक, और वो पारमार्थिक भेद मान लिया, वैशेषिक दर्शन में जगत के जो मूल कारण परमाणु माना उस परमाणु में आकाश परमाणु से जगत जल परमाणु भिन्न का है, प्रत्येक परमाणु में कुछ विशेष रहने से उसका नाम हो गया वैशेषिक भिन्नता, वो पारमार्थिक मानते हैं इसको, दूसरे वाणी के तरह माना है क्या तात्विक भेद से, जो तात्विक भेद है उसकी अभाव उसका अभाव हमारी साध्य हो, दूसरी वाणी के तरह माना गया जगत की मूल पालन कारण में जो तात्विक भेद है उसकी अभाव हमारी साध्य है, उसका अभाव सिद्ध करना चाहते हैं,
अद्भुत आप इसको सिद्ध प्रतिपादन करना चाहते हैं, साध्यता साध्य मैंने तो साध्यता प्रतिपादन की थी। अब फिर आप देखिए यहाँ पे घटाभर है, भरा इस भूतल में ठीक है ना, हम कैसे बोल रहे हैं घटाभर, प्रसिद्ध घट की बोध आपकी है, प्रसिद्ध घट की बोध आपकी है, वो घट आपके नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए आप बोलते हैं घटाभर। ये जो आप जो बोल रहे हैं ये जो तात्विक भेद शून्यता, ये किसी की बोध है कि नहीं है, तो आपको ये तो नहीं बोध है, परंतु तात्विक भेद का बोध आपको है, इसका रहित स्थिति को आप आ जाए, इसलिए अप्रसिद्ध नहीं है, अप्रसिद्ध है यहाँ पे, मतलब तात्विक भेद नहीं है ये हम कहना चाहते हैं। तो जिस प्रकार खरा यहाँ पे नहीं हम कहना चाहते हैं, परंतु खरा की प्रसिद्धि हो तभी ना कह सकते हो, हालांकि वो इसी प्रकार से जो तात्विक भेद की प्रश्न तुम्हारे सिद्धांतों में है, इसलिए हमारे ये साध्य को जो है अप्रसिद्ध ये नहीं कह सकते, क्योंकि तुम लोगों ने तात्विक भेद माना और इसका निषेध हम करते हैं, हमारे यहाँ वाक्य की तरह प्रतियोगिता तो उसका अभाव पड़ेगा बोलते हैं, पर अभ्युगत तात्विक भेद से अभाव साध्यता इति न प्रतियोगी अप्रसिद्ध साध्यता प्रसिद्ध इति, प्रतियोगी प्रसिद्ध नहीं है, खरा खरा प्रसिद्धि नहीं है, इसलिए यहाँ पे खरा के अभाव कहना युक्ति संगत नहीं है, ये कोई बात कह सकता है। हम यहाँ पे बोल रहे हैं भूतल में खरा नहीं है, अब बोल रहे हैं ना, जो अब जब हमने बोला भूतल में खरा नहीं है, यदि आपके अंदर खरा संबंधित बोध नहीं है तो इस बात को से इसका क्या बोध होगा, तो समझ भी नहीं आएगा। मैंने कहा यहाँ पे खरा नहीं है, तो खरा तो आपको नहीं दिखाई दे रहा, यदि खरा क्या वस्तु है इस वस्तु की बोध आपको नहीं होगा तो आप खरा का और समझ पाएंगे क्या, नहीं समझ पाएंगे। अब तुम्हारे दर्शन में भेद की प्रसिद्धि है, यानी कि तुम्हारी बुद्धि में भेद बैठ, और हम क्या बोलते हैं इस भेद की अभाव, यानी कि आसानी से तुमको समझ में आ जाएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं, भेद का बोध तुम्हें बैठा हुआ है, इसीलिए इस भेद की अभाव प्रतिपादन करना, यहाँ पे प्रतियोगी का अभाव नहीं है, मतलब अप्रसिद्ध नहीं अप्रसिद्ध है, क्योंकि भेद की प्रसिद्धि है सबका, और इस प्रसिद्धि का हम निषेध करना चाहते हैं, तात्विक शब्द लगाए वहाँ प्राकृतिक बात, तुम बोलो प्राकृतिक भेद है हमारे साथ एक नहीं है, पारमार्थिक भेद नहीं है, इसलिए हमें बोलते हैं ये चीज को समझना है, क्योंकि न्याय की भाषा को थोड़ा सा जो है समझने के लिए अपने शब्द का समझ लीजिए, मैं बताया यहाँ पे खरा नहीं है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैं बोला स्वामी जी ने बोला खरा नहीं, आपको समझ में आया बात करो, कैसे समझ में आया, खरा नामक वस्तु की ज्ञान नहीं होता तो आपको नहीं समझ में आया, खरा नामक वस्तु की ज्ञान है तब आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे खरा नहीं है। अब हम क्या बोला यहाँ पे भेद नहीं है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, क्यों हमको तो भेद दिखाई पड़ता, तो हम इसी को निषेध करते हैं, ये तो भेद दिखाई पड़ता है, ये औपाधिक भेद दिखाई पड़ता है, सब के अंदर ही जैसे लगा, इसीलिए प्रतियोगी अप्रसिद्ध नहीं है, प्रतियोगी प्रसिद्ध है, पर अभ्युगत तात्विक भेद अभाव साध्य देती ना प्रतियोगी अप्रसिद्ध साध्य अप्रसिद्धि विधेय साध्य, आपने ऐसा साध्य बनाया कि जो प्रसिद्ध ही नहीं है, बोलते ऐसी बात नहीं है, साध्य बिल्कुल प्रसिद्ध है, क्योंकि सभी बात ने भेद को माना और इसको अभाव को प्रसिद्ध करना चाहिए, ये इसका भेद ये दर्शन पचित अपनी तात्विक भेद असम प्रतिपत्र, हम जो है तात्विक भेद कहीं भी नहीं मानते हमारे सिद्धांत इतिहास जीवे ही, अब यहाँ पे आगे छः नंबर टिप्पणी पूरा हो गया ना, हाँ ठीक है, अब जो है मूल में जो आया हुआ ना जीवे घटाकाशे एक दोनों तृतीय बहुवचन है ना, जिस प्रकार घटाकाश की उत्पत्ति से आकाश मतलब घट की उत्पत्ति से घटाकाश की उत्पत्ति प्रतीति होती है, इसी प्रकार संघात की उत्पत्ति से आत्मा की उत्पत्ति की प्रतीति होती है, घट की उत्पत्ति से घटाकाश की उत्पत्ति किसी प्रकार संघात की उत्पत्ति से जीवात्मा की उत्पत्ति ऐसा प्रतीति होती है, परंतु संघात व्यधिकरण नहीं दिखाई पड़ता उन लोगों को, कहाँ पे क्रिया हो रहा है कहाँ का अगला श्लोक और सुंदर स्पष्टीकरण आ जाएगा इसका, यहाँ पे बोलते हैं अभी कि जीवेर इत्यादि व्यतृष्टि जीवेर इस शब्द के अंदर यहाँ पे व्याख्या करते हैं, क्या बोलते हैं जीवेर क्षेत्र कहीं, देखो क्षेत्र जो देखता है हमारे पास क्षेत्र कहेंगे, जब तुमको भेद दिखाई नहीं पड़ते हैं तभी एक अपने भी बोलते हैं क्षेत्र सर्व क्षेत्र शुभारत क्षेत्र अलग अलग है क्षेत्र और क्षेत्र की भेद के कारण क्षेत्र में भिन्नता की प्रतीति होती है, क्षेत्र में भिन्नता के कारण क्षेत्र की अलग अलग की प्रतीति होती है, मतलब क्षेत्र ऑब्जर्व करो ऑब्जर्व प्रमाता अनेक है,
क्यों? परमात्मा अंतकरण उपाधि के साथ होता है, इंद्रिय का, परंतु साक्षी एक ही है। आपके अंदर भी जो साक्षी काम करता है, हमारे अंदर भी वही साक्षी है, क्योंकि साक्षी उपाधि के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, प्रमाता उपाधि के साथ तालाब मिला है। इसीलिए प्रमाता मतलब जिस समय आपको शब्द तो सुनने का ज्ञान हर उस समय बोलने का अधिकार है, प्रमाता अलग है ना उपाधि के साथ, क्योंकि जिस उपाधि के साथ इंद्रियों के साथ हम बैठ कर व्यवहार कर रहे हैं उसमें तालात्मता होने के कारण प्रमाता जो है अलग अलग हो जाता है। एक ही काल में बैठ करके कोई सुनता है, कोई देखता है, कोई लिखता है, ये जो है प्रमाता में भिन्न है। परंतु ये लिख रहा है, ये देख रहा है, ये सुन रहा है, ये जो समझ रहा है वो तो से भिन्न है। तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जीव क्षेत्र के जीव क्षेत्र के घटाकाश जीव के द्वारा जीव की माध्यम बनाकर के क्षेत्र जिस प्रकार घटाकाश जीव घटाकाश तुल्य घटाकाश जैसा मतलब घट की उत्पत्ति से घटाकाश की उत्पत्ति होते हैं ऐसा यहाँ पे कहा गया है। अब यहाँ पे होता है जीव आकार परमात्मा एक मतलब जीव रूप में परमात्मा की उत्पत्ति हुई ऐसा कहा गया है। पंक्ति परमात्मा अलग नहीं है, एक ही है। क्षेत्र गमचापी माम विद्धि इति स्मृति रीति लक्षण क्या कहना चाहते हैं? सभी क्षेत्र में क्षेत्र क्षेत्र की भिन्नता के कारण क्षेत्र में भिन्नता की प्रतीति होती है। छोटा खरा, बड़ा खरा, मध्यम खरा, साइज की खरा की साइज की भिन्नता के कारण घटाकाश की साइज में भिन्नता की प्रतीति होती है। घटाकाश तो पारमार्थिक है ही नहीं, प्रतीति मात्र है पारमार्थिक में। उदित शब्द से उक्त अर्थ तरी परस्य एव आत्मन संघात रूपेण उत्तरते सप्रपंचत्व प्रसचेत इति आशंका अथवा आप देखिए आपने ऐसा कहा कथित उदित मतलब कथित यदि तुम यही कहना चाहते हो कि परमात्मा से आत्मा की उत्पत्ति ये कहना चाहते हो तब तो तुम्हारा सिद्धांत बिगड़ गया। तो फिर कैसे कहते हो कि हमारा जो है ये हो तो अथवा हम पहले परिणाम बात को लेकर के कार्यकर्म अभिन्नता को सिद्ध कर दिया अब विवर्त बात को लेकर आगे क्या बोला उदित शब्द से उक्त अर्थ आपने उदित शब्द का अर्थ आपने क्या कर दिया हमने उदित मतलब प्रतीक अर्थ कर दिया था आपने क्या कर दिया उक्त यदि यही श्रुति कहते श्रुति बात को तो झूठ नहीं होगा। इसलिए आपने बोलता है उदित अर्थ से करी परस्य आत्मन ये तो परमात्मा का ही संघात रूप में उक्त परमात्मा का ही संघात रूप में कथन होने के कारण वृत्ति का कोई घरा रूप में कथन होने के कारण वृत्ति का कोई घरा रूप में कथन होने के कारण सप्रपंचत्व प्रसंचित यानी कि जिस प्रकार वृत्ति का सावयव पुष्ट उसका विस्तार हो सकता है इसी प्रकार ये परमात्मा ही प्रपंच वाला है इसका प्रसंग आ जाएगा। परमात्मा ही प्रपंच वाला मतलब जगत वाला है ऐसा परमात्मा में जगत कभी भी नहीं है। पहले से बोलता होगा ना तुरंत आ जाएगा तो बीच देख लो शब्द ले गया माया से माया जगत जगत अब मस्त है सर्वभूतानि न चमते न जो मत स्थान भूतानि पश्चिमे जो न जो मत स्थान भूतानि पश्चिम जो ये भगवान की योग भगवान को सब दिखाई दे रहा है परंतु उसके साथ कोई संबंध नहीं कर सकती है। इसे भी हम बोलना चाहते हैं उदित शब्द से रूपी परस्वात्मा संघात सप्रपंचत्व प्रसज्यते की आशंका अथवा करके नेक्स्ट क्वेश्चन भगवान भाषा अब विवर्त बात को बोलने के लिए यहाँ पे समझे समय हो सात नंबर टिप्पणी मतलब उक्तत्वे उक्ते प्रमाण रूपत्ता यदि श्रुति ऐसा कहता है श्रुति वाक्य प्रामाणिक होती है आपका जो परमात्मा प्रपंच वाला हो जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि परमात्मा जो अधिकारी है तो कह सकते इसलिए अथवा करके बोले मतलब पहले हमको समझाया और समझाने के बाद अपने आप समझ रहे हैं कि ये अरुचि है भाष्य का विधान में रुचि नहीं है। यदि कोई लेखक एक चीज एक संबंध कहने के बाद अपने आप उसको बदलते हैं समझना कि पहले तो उनका रुचि नहीं है समझाने के लिए अथवा करके बोलते हैं ूतुच्चम परम गुण प्रातवा
Shanti, Shanti, Shanti.